नमस्कार, मैं बहन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक बहन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जो कि IBSER 2023 या CSIR SOSO 2023 या IBMTS 2023 या DSSB JJSPA की जो वैकेंसी 2024 की उसके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जो आज ऐसे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका भारत में प्रेस की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ प्रेस इन इंडिया। तो इस टॉपिक को कैसे आप लिखेंगे, क्या क्या आपको अप्रोच लगानी है, इंट्रोडक्शन में आप किन किन पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं, मेन बॉडी में आपको क्या मेंशन करना है, कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे ताकि एग्जामिनर आपको बेहतर नंबर दे, आपको यहाँ से एक हिंट मिलेगी। और चूंकि आपको एक हिंट चाहिए, आपको अगर एक ओवरव्यू कोई दे दे तो आप उसके बेसिस पे चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारा मतलब कोर्स चल रहा है उसमें जो टॉपर्स जिस तरीके से लिख रहे हैं, इस टॉपिक पे जो टॉपर्स की कॉपी है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप इन सभी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जितने भी यहाँ पर मैंशन किए हुए हैं, तो इसके लिए हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खास बात जो है वो ये है कि यहाँ पे हम डेली आपको वर्क देते हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करते हैं, जिससे आप डेली बेसिस पे ये इवेल्युएट कर पाते हो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। टॉपर्स से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी कंटेंट है, वीडियो लेक्चर है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। इस कोर्स की फीस केवल 449 रुपीज़ है। आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी अगर आपको टॉपिक लिखने के लिए दिया जाता है, ऐसे को लिखने का जो सबसे पहला जो फंडामेंटल जो तरीका है वो ये है कि आप उस टॉपिक को तीन पार्ट में तोड़ोगे, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, फिर आपका मेन बॉडी आएगा और फिर कंक्लूजन आएगा। इंट्रोडक्शन ही सबसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर को जो ओवरव्यू मिलता है आपकी कॉपी का, जो आपको नंबर मिलते हैं, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि आप जो मेन पॉइंट हैं उनको आप मेंशन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पूरे टॉपिक का एक ओवरव्यू आपके इंट्रोडक्शन में झलकना चाहिए। अगर इंट्रोडक्शन में आपके पूरे टॉपिक का एक ओवरव्यू समझ में आ रहा है मतलब जो एग्जामिनर है उसको, तो कहीं ना कहीं वो चूँकि क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव में ऐसा नहीं कि वो हर एक वर्ड पढ़ता है, वो इंट्रोडक्शन देखता है। इंट्रोडक्शन से उसको समझ में आ जाता है कि ये जो पर्टिकुलर बच्चा है इसको इस सब्जेक्ट पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितनी डेप्थ में नॉलेज है, और उसके बेसिस पे वो आपकी कॉपी का पहले ही मूल्यांकन कर लेता है कि हाँ, मतलब एक पहले दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ किस लेवल का लड़का है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि एक ओवरव्यू आपको देना है पूरे टॉपिक का, ताकि पूरा जो टॉपिक है वो सामने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए पूरा जो ऐसे है उसको लिखने के लिए इंट्रोडक्शन कब आपका बेहतर होगा, मेन बॉडी कब बेहतर होगा, कंक्लूजन कब बेहतर होगा, जब आपको जो टॉपिक दिया जाए उस पर सबसे पहले आपको 2-4-5 मिनट सोचना है कि एक्चुअल में टॉपिक क्या है, इसके रिगार्डिंग मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है। फिर उसके अलावा आप एक रोड मैप बनाओगे, इंट्रोडक्शन में हम ये चीज़ें डालेंगे, मेन बॉडी में ये चीज़ें डालेंगे और कंक्लूजन में ये चीज़ें डालेंगे। और फिर आप लिखना जब स्टार्ट करोगे तो आपकी कटिंग भी नहीं होगी और आपका बेहतर जो ऐसे है वो लिखेगा। उसके अलावा मेन बॉडी में क्या है कि हमको थोड़ी डिटेल्स बतानी होती है, उसमें हम प्रोस भी बता सकते हैं, कॉन्स भी बता सकते हैं, सारी जो चीज़ें हैं डिटेल्स में हमको यहाँ पे मेन बॉडी में चीज़ों को मेंशन करना होता है। बाकी कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन में हम समराइज करते हैं, उसके अलावा सजेशन और एडवाइस दे सकते हैं कि बेटरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे ये हमारा जो टॉपिक है कि भारत में जो प्रेस की भूमिका है वो क्या है, ठीक है, तो आपको ही पता है कि इस टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो में प्रेस की जो भूमिका है वो सभी से छुपी हुई नहीं है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे लिखने के लिए इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में हम मेंशन कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो मतलब आपकी फ्रीडम है, जो आपकी प्रेस है, उसको फोर्थ पिलर कहा जाता है, ठीक है, तो इस बात का मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो किस आर्टिकल के थ्रू आता है, इसको हम मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है उसमें हमारी रैंकिंग कहाँ पे है, इस टाइम पे 2023 में कहाँ पे है, जैसे कि हम 161वें स्थान पे हैं, जबकि 2022 में हम
150वें स्थान पर थे, ठीक है। तो हमें इस पर विचार करना होगा कि हमारी रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ओवरव्यू दे सकते हो इंट्रोडक्शन में, मतलब ये मेन मेन पॉइंट जो है वो आप जब मेंशन करोगे तो उसको समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ आपको टॉपिक जो है अच्छे तरीके से उसकी समझ है और टॉपिक के जो मेन पॉइंट है वो आपने समझ लिए हैं, ठीक है। अब अगर हम मेन बॉडी की बात करें तो मेन बॉडी में थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को बताना होता है तो मेन बॉडी में हम मेंशन कर सकते हैं कि व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो प्रेस की भूमिका है, जो प्रेस की इम्पॉर्टेंस है, जो प्रेस की फ्रीडम है, वो क्यों बहुत ज़्यादा उसकी इम्पॉर्टेंस, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब प्रेस जो है वो अपना जो है स्वतंत्र तरीके से काम करे, नहीं तो प्रेस की फ्रीडम का कोई मायने नहीं है। क्योंकि जितने भी आप जो तानाशाही कंट्री हैं जैसे कि चाइना है, ठीक है, उसके अलावा आपका रशिया है, ठीक है, उसके अलावा आपका वियतनाम है, इनकी आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देख लो टॉप थ्री में, नीचे सबसे ज़्यादा जो टॉप थ्री में यही कंट्री आती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्रेस की जो है, चूँकि ये डिक्टेटरशिप में पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे प्रेस की जो मतलब फ्रीडम है वो बिल्कुल नीचे पायदान पे है। तो प्रेस की फ्रीडम जितना बेहतर होगी, जितना रिकवर होगी, जितना ऊपर इसका लेवल होगा, कहीं ना कहीं जो हमारी डेमोक्रेसी है वो उतनी ही हेल्दी होगी। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जो प्रेस है उसकी फ्रीडम का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं जहाँ पे प्रेस की भूमिका उस तरीके से नहीं रही जहाँ पे जिस तरीके से रहनी चाहिए, जैसे कि CA का केस है, NRC का केस है, उसके अलावा जो आपके मतलब जो कृषि कानून, 3 कृषि कानून आए थे उसमें क्या है कि जो मतलब प्रिंट मीडिया तो फिर भी अपना जो रोल है वो अच्छे तरीके से निभा रहा, जबकि लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका जो रोल है वो कहीं ना कहीं इस समय भारत के लिए खतरा है। क्योंकि जो मीडिया है, जिस तरीके से मीडिया का रोल होता है कि न्यूज़ का फैक्ट चेक करना, कोई भी गवर्नमेंट की अगर स्कीम आती है तो उसके क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं, उसके अलावा जो नॉर्मल हमारी सोसाइटी है, जो मिडिल क्लास है, उस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो गरीब लोग हैं उनसे इनका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो मीडिया का काम ये होता है कि चीज़ों को, फैक्ट्स को सामने रखना। बल्कि मीडिया जो इस समय काम कर रहा है वो क्या है कि सिर्फ वो गवर्नमेंट जो कहती है सिर्फ उसको मतलब सिर्फ अनुवाद करके बता देता है कि भाई CA गवर्नमेंट ने लाया, बहुत अच्छा है। लेकिन आपका जो मेन काम है वो ये है कि आप ये बताओ कि भाई CA आया है तो इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत पे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके अलावा इससे क्या समस्याएँ होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फैक्ट चेकिंग का काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वो कहीं ना कहीं नहीं कर रहा। उसके अलावा आप मेंशन कर सकते हो जो आपकी रिलीजियस बेसिस आपकी डिबेट चलती है, उसके अलावा फेक न्यूज़, इन सब का आप जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा अभी जो हमारे जो दो CM जैसे कि अरविंद केजरीवाल, उसके अलावा हेमंत सोरेन जो थे, वो इलेक्शंस के टाइम पे उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये दिस इज़ नॉट अ एग्जांपल ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी। तो इन सब चीज़ों का आप मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप इस बात का मेंशन कर सकते हो कि पहली जो प्रिंटिंग मशीन हमारी आई थी वो 1674 में आई थी, हमने जो छपाई स्टार्ट की थी वो 1776 में स्टार्ट की थी, 1880 में पहला हमारा अखबार निकला था बंगाल गजट के नाम से, जो कि JK Hickey ने निकाला था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो। मेन बॉडी में मैंने आपको बता दिया कि पूरा आप ब्रीफली जो है सारी चीज़ों को बता सकते हो कि कौन कौन सी इंसिडेंट है, ठीक है, जैसे कि रिलीजियस बेसिस जो डिबेट चलती हैं इन पे ये कहीं ना कहीं घातक है हमारे लिए, ठीक है। उसके अलावा मीडिया का जो काम है वो फैक्ट चेकिंग का है, सब मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा मीडिया जो है ये माना जाता है कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन के साथ होता है, बल्कि करेंट सिनेरियो में ऐसा नहीं लग रहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट इशू हैं इनको आप उठा सकते हो। जैसे कि मीडिया का काम क्या होता है कि जो रियल इशू हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, उसके अलावा गरीबी का इशू है, उसके अलावा इन्फ्लेशन महंगाई का इशू है, ये इस पे डिबेट होनी चाहिए। तो इस पे डिबेट ना के बराबर है, ठीक है। इसमें आप ढेर सारी जो एजेंसी है उन्होंने जो डिबेट्स बेसिस एनालिसिस किया है उनका आप एग्जांपल दे सकते हो, अगर बेहतर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये एक आपका ओवरव्यू है मेन बॉडी का, ठीक है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो गवर्नमेंट को इस पे स्टेप उठाना चाहिए, उसके अलावा फेक न्यूज़ पे जो है जो कानून बनाना चाहिए, फेक न्यूज़ पे कानून बन सकता है, उसके अलावा जो रिलीजियस बेसिस डिबेट चल रही है इन पे बैन होना चाहिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रेस की जो फ्रीडम है उसको हम मतलब उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, और जब प्रेस की फ्रीडम बरकरार रहेगी कहीं ना कहीं तभी एक हेल्दी जो डेमोक्रेसी है वो हम बन पाएंगे, तभी भारत के हर एक नागरिक को एक मतलब लगेगा, एक मतलब गर्व महसूस होगा कि हम एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का पार्ट है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी की चर्चा विश्व में है, ठीक है। समाज के हर एक व्यक्ति को
एक फ्री महसूस होगा और वो उसको अपनी बात रखने का अधिकार होगा, वो बिना डरे हुए अपनी बातों को रख पाएगा। तो इस तरीके से एक ओवरव्यू बना के चीज़ों को कर सकते हो, तो जितने भी पॉइंट हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से लगातार क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो ये क्लासेस हैं, इनमें हम जो इम्पॉर्टेंट आपके लिए एग्ज़ाम के लिए टॉपिक हैं उन्हीं को इस तरीके से इंट्रोडक्शन में क्या करना है, मेन बॉडी में क्या करना है, कंक्लूजन में क्या करना है, इस तरीके से आपके मैं क्लासेस आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी आप देख सकते हैं जो टॉपर्स लिख रहे हैं उन्होंने, आप देख सकते हैं जैसे कि ये रोल ऑफ प्रेस, यहाँ पर जो हमारा कोर्स चल रहा है इसमें हम डेली, जैसा कि मैंने बताया कि डेली हम यहाँ पर टॉपिक देते हैं और जितने भी टॉपिक दे रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो देख सकते हैं आप, इस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया जो पॉइंट हैं कि रोल ऑफ डेमोक्रेसी किस तरीके से होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन की। ऐसे ही हिंदी की कॉपी में आपको दिखा देता हूँ, इन्होंने भी सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मेंशन किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के थ्रू है, ठीक है, उसके अलावा मेन जो काम है वो क्या है, ठीक है, उसके अलावा पहल थोड़ा सा हिस्ट्री से भी कनेक्ट किया कि पहला जो अखबार था वो कब छपा था, ठीक है, किसने छापा था, ठीक है, उसका नाम क्या था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टॉपिक को आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो ओवरव्यू है टॉपिक का वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बाकी इस वीडियो की हेल्प से आप इस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हुई होगी। तो जब लगातार क्लासेस चलेंगी तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होती रहेगी और उसके बेसिस पे आप बेहतर लिख पाएंगे, ठीक है। बाकी हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स की फीस केवल 449 रुपीज़ है। आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।